नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, अनीस फारूकी साहब। बहुत अरसे बाद आज वो हमारे शो पर तशरीफ लेके आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार फारूकी जी, साहब। आदाब आदाब, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे यही डिस्कस करना चाहती हूँ। पहले मैं एक क्योंकि एक ऐसा मिला जुला के मैं कुछ आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। चर्चा जी ये कि हम सब जानते हैं कि 14-15 अगस्त आ रहा है, आजादी आ रही है। 15 अगस्त भारत की आजादी और पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम मैं यहाँ पे कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का अभी कंपैरिजन करना भी जायज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो पूरा क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चाहे इकोनॉमिक, और जितने भी मसाइल हैं, और उसके बीच में अभी हमने देखा गवर्नमेंट डिजॉल्व हुए, और हमने शहबाज शरीफ साहब का भी बयान सुना, बिलावल भुट्टो को भी सुना। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि जो हमारे पुराने लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, वही अपने आने वाली जनरेशन के लिए वही सिस्टम छोड़ जाते हैं। कोई इम्प्रूवमेंट कोई पॉलिसी में, यहाँ तक कि इस्टेब्लिशमेंट आर्मी सभी के हवाले से बात की। और इसी बीच जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है, अनवारुल हक कक्कर साहब का। मैं आज सबसे पहले तो उनके बारे में जानना चाहती हूँ, फिर आगे हम इस पे बात करेंगे। आखिर बिल्कुल कौन है ये, क्योंकि काफी एक एम्बिग्यूटी बनी हुई थी, कौन बनेंगे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, जी कौन जी है जी काकर साहब? हाँ, असल में सवाल सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन ही होता है कि कौन बनेगा करोड़पति। तो तभी रकम मिलती है। हाँ, तो सबसे बड़ा मसला है। और ये हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सबके मसले एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि वो जी होते गरीब हैं, फिर बाद में वो बहुत अमीर अचानक हो जाते हैं। तो वो एक एक है, ट्रेंड चला रहा है। लेकिन फिर भी गरीब मुल्कों में हमें लेसर ईवल को तलाश करना होता है कि कम से कम वाला कौन सा नुकसान पहुँचाएगा मुल्क को। तो लेकिन ये एक इंटरिम सेटअप है, जिसे हम अबूरी निज़ाम कहते हैं। और इस निज़ाम में बेसिकली इनका काम सिर्फ इतना है कि ये निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि आपने आने आने वाले जो इलेक्शंस हैं उस तक जो है आगे सरकार तक लेके चलनी है। क्योंकि वो एक पीरियड था, एक्सपायर हो गया गवर्नमेंट का, जो कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन था। तो अब ज़ाहिर है लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है गवर्नमेंट की। तो उस पीरियड में फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है। बहुत से कंट्री में ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वही चलाती है, लेकिन चूंकि हम ट्रस्ट नहीं करते कि वो धांधली हो जाएगी, तो इसलिए हम इंटरिम गवर्नमेंट का एक निज़ाम है। तो वो ये अनवारुल काकर साहब बेसिकली बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप जिसे कहते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो नाम है ये शहनशाह। हाँ, तो नहीं, नाम शहनशाह नहीं है, नाम आसिम मुनीर है। हाँ, यस ट्रू। क्योंकि हाँ, हमारे हम सब के जो हैं वो अब्बू जो हैं वो हमारे सिपे सालार होते हैं। हाँ, और जो कि फैक्ट है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मतलब हम कोई बुरी बात भी नहीं समझते। पाकिस्तानी जो उसको फ़ख्र से कहते हैं, क्योंकि आप देखें पीटीआई ने सारी उम्र जनरल बाजवा को अपना अब्बू बना के रखा था ना, तो और फ़ख्र से कहते थे। तो इसीलिए अनवारुल हक साहब के बारे में कह सकता हूँ कि वो एक न्यूट्रल टाइप के शख्सियत हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शायद अक्सर हमारे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि सिंध एक महरूम सूबा है, बलूचिस्तान एक महरूम सूबा है, तो कभी कभी इनको भी एक सीट दे के ना तसल्ली कर देते हैं कि भाई आप भी हमारे साथ मेन स्ट्रीम में शामिल हैं। तो वो अनवारुल हक साहब के बारे में ये कि वो कहा जाता है कि जनरल फैज़ हमीद जो थे ISI के साबिक चीफ, उनके फेवरेट थे एक ज़माने में, और उनके लाए हुए थे। लेकिन ये बात लोग भूल जाते हैं कि लाए हुए थे यानी कि फैज़ हमीद थे और जनरल आसिम हैं। तो वो जिनके हैं होते हैं वो उन्हीं के होते हैं। तो बेसिकली जो एक न्यूट्रल सा सेटअप लाने का मकसद ये था, इसका इसका हरगिज़ कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। ये बात तो हम समझ लें पहले कि ये आएंगे या ये किसी इमरान खान के ख़िलाफ़ कर देंगे या नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कर देंगे, इनका काम ही नहीं है। इनको लाया गया है कि तुमने वो ठंडे ठंडे बैठ के काम करना है, राइट, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता मतलब गाड़ी इलेक्शंस तक पहुंचानी है। है ले जाके, इनका काम ये या है गोल तो यही है, गोल तो यही है। जी। लेकिन जो इलेक्शंस को लेकर काफी लंबे से एक लंबे अरसे से एक सवाल बना हुआ है कि 2023 में होने हैं, अब वो 23 में भी होते नजर नहीं आते। राणा सनाउल्ला ने भी इशारे किए कि शायद अगले साल हो सकते हैं इलेक्शंस। आपको क्या लग रहा है? हाँ, अभी हालात थोड़े से ऐसे नहीं हैं। हालात से मुराद ये है कि जैसे कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो आपका सेंसस की सही काउंटिंग है, उसकी बेस पे डीलिमिटेशंस होनी है। डीलिमिटेशंस मीन के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो शायद बढ़ जाएं कई जगहों पे, ख़ासतौर पे कराची में और सिंध के जो इलाके हैं जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी रहती है। अब देखिए, मिसाल देता हूँ आपको कि
कराची की आबादी को बमुश्किल 1 करोड़ और 25 लाख तक काउंट किया गया था लास्ट। वैसे तो मतलब एक अगर एक जिस तरह अगर आप सोचिए कि मुंबई है, मुंबई में अगर आपको कोई कहे कि वहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ लोग रहते हैं तो आप मानेंगे नहीं, राइट? क्योंकि वहाँ रहते ही नहीं है, एक अच्छा कई कई करोड़ लोग। इसी तरह कराची सेम है, लेकिन काउंटिंग में उसको 1 करोड़ ही दिखाते हैं। तो इसका मतलब है ना तो वहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं और ना जो है वहाँ पे कुछ और फर्दर इमिग्रेशन हो रही है। पूरा पाकिस्तान वहाँ पे माइग्रेट होके आता है, उसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। वो काउंटिंग बढ़ती चली जा रही है, 4-5 करोड़ का वो शहर बन गया है। काउंटिंग में उसको 1 करोड़ भी नहीं दिखाते। अब लड़ाई झगड़ा करके उसको 1 करोड़ 75 लाख, 2 करोड़ तक, दो लेकिन करोड़ तीन करोड़ तक परवेश लेकर आए। साहब, आप जो सेंसिस की बात करें, इनको सही क्यों नहीं बताते? इसके पीछे भी क्या कोई इसके पीछे बता मन? रहा हूँ ना कि जो हमारे यहाँ जो सिंध की जो अर्बन एंड रूरल डिवाइड है, जो क्योंकि हमारे यहाँ जो वडेरा सिस्टम है ना, वडेरा निज़ाम, जो सिंध के जो वडेरे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको मालूम है कि एक सिंधी जमात है, और वो उन उनकी एक तरह की इजारादारी मोनोपली है गवर्नमेंट में, सिंध गवर्नमेंट में। तो अगर सीटें बढ़ती हैं, डीलिमिटेशन होती है, और शहरी इलाके यानी कि जो सिविक कराची और हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास जो हैं, जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा बोली जाती है, इंडिया से माइग्रेट होने वाले ज़्यादा आए हुए हैं वहाँ पे, वो उनकी सीटें बढ़ती हैं, एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है, उनकी उनकी सरकार को ख़तरा पैदा हो जाता है। तो और दूसरे कि एक वो सिस्टम चला आ रहा है, वो बड़े खुश हैं कि, और उन लोगों को तरक्की भी नहीं चाहिए, विकास से उनका कुछ लेना देना नहीं। तो ये सूरत हाल है। जी, अब मैं बात करती हूँ बिलावल भुट्टो के, खास तौर से उनके बयान की। जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई, उन्होंने बयान दिया, और उनका बयान काफी अहम भी माना जा रहा है। जिस उन्होंने शिद्दत के साथ काफी बातें रखी है, जो मुझे लगता है वैसे तो बहुत अहम है, लेकिन उस पर कुछ अमल होता हुआ नजर नहीं आता। उन्होंने बात की कि जो हमारे एल्डर्स हैं, वो वही पुराना सिस्टम आने वाली नस्लों को दे जाते हैं, जो खुद उन्होंने जिससे दो चार हुए हैं। कहीं पे भी कोई पॉलिसी में चेंज, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में कोई चेंज नजर नहीं आता, डेमोक्रेसी को लेकर कोई काम नजर नहीं आता। और आर्मी को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारा आर्मी के साथ में रिश्ता प्यार मोहब्बत का, भरोसे का होना चाहिए, डर खौफ नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा 76 साल हो रहे हैं पाकिस्तान को बने हुए, कुछ कोई विजन, पॉलिसी, कोई सिस्टम, कोई कुछ नहीं नजर आता। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल जेल में है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का टर्म पूरा दैट नहीं इज होता। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये आखिर इतना इंस्टेबल क्यों है, क्या वजह है, आप क्या कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। बिलावल का जो कहना है ना, ये बड़ी अच्छी एक तरह की बात है, इसलिए कि एटलीस्ट रियलाइजेशन का फेज में हम आ गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब तक तो हमने रियलाइज ही नहीं किया था कि हमारे फॉल्ट लाइंस क्या हैं, तो रियलाइजेशन की तरफ आ गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इतने पोल्यूटेड हो चुके हैं कि जो वो जो नेक्स्ट जनरेशन है, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, तो बेसिकली वो एक धीरे धीरे एक इटरेशन का, एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। वो आके कहीं राहुल पे रुकता है तो कहीं बिलावल पे रुकता है। वो बहुत थोड़ी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बट एक रियलाइजेशन तो कर दी, लेकिन हैं वो पोल्यूटेड उसी निज़ाम के। मतलब उन्होंने कौन सी तब्दीली ले आई, अब आप देखें कि जो ये फैमिली सिस्टम है, निज़ाम है, फ्यूडल एक तरह का, जिसे हम मौरिसी निज़ाम भी कहते हैं, इनहेरिटेड चला आ रहा है, ये निज़ाम तो अपनी जगह चल रहा है ना। तो इसीलिए इसको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिलावल ने रियलाइजेशन कर ली, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी, आई थिंक इट्स ग्रेट। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। हमें होप अपनी यूथ से ही है, अपनी जनरेशन से ही है, आगे चल के वो किस तरह से लेके चले। मैं जो अब हम बिलावल भुट्टो के बयानों की बात कर रहे थे, सवाल यही है कि आप रियलाइजेशन की बात करें, बिलावल को रियलाइज हो गया, लेकिन आज तक इस पे रद्द अमल क्यों नहीं हुआ? जैसे हम भारत की बात करते हैं, भारत को आजादी मिली, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। हाँ, हमने देखा कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिस्टम हो, चाहे इंडस्ट्रीज लगाने की बात हो, कॉटेज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, एक विजन था भारत को। आज अगर दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, या यहाँ पर बात होती है कि भारत इतना तेजी से तरक्की क्यों कर रहा है, तो उसकी नींव जो 1950 में, 1960 में जब भारत बना था शुरू शुरू में, तभी एक विजन के साथ रखी गई थी। पाकिस्तान में वो विजन, वो सारी चीजें नहीं आए। क्यों लीडर्स ने एक कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आवाम के हवाले से काम नहीं किया?
देखिए उसकी फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है वो तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो मार्शल लॉज और डिक्टेटरशिप्स रही, आमरियत का एक निज़ाम रहा है, ठीक है, और वो अनफॉर्चुनेटली अयूब खान, याह खान, सिकंदर मिर्ज़ा और ये सब चलते चले आए, फिर ज़ियाउल्लाह, जनरल मुशर्रफ, फिर अब एक तरह का अनडिक्लेयर जनरल बाजवा का मार्शल लॉ, अब अनडिक्लेयर टाइप के सिचुएशन में चल रहे हैं। शायद किसी हद तक वो लेजिटिमाइज अपने आप को करते होंगे, लोग भी समझते होंगे कि पाकिस्तान बीइंग अ सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान सराउंडेड बाय अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना, यू नो लाइक ऑल दोज थिंग्स। फिर अफगान वार्स हमारे यहाँ आपको पता है कि एक लड़ी गई है, कई सालों तक लड़ी गई है, दहाइयों तक लड़ी गई है, और उस लड़ाई में हमारा कचूमर निकला है, राइट। हमें कभी अमेरिका अपना दोस्त बना लेता था, कभी हमें तन्हा छोड़ के चला जाता था, चीन ने कभी हमें लिफ्ट कराई, कभी नहीं कराई, ठीक है। अच्छा, इस दौरान में हमने एक नैरेटिव को बड़ा प्रमोट किया कि जो है ना हम पे भारत हमला करेगा, कब्ज़ा कर लेगा, और वो जो है वो इसके लिए हमें एटम बम भी चाहिए और ये भी चाहिए। हालांकि ये जो जंगी जुनून है इसकी वजह से आज हम गरीब हैं, और ये दोनों तरफ से यही है कि हमने हथियारों की एक रेस ज़माने में हुआ करती थी, आपको याद होगा। तो जी वो उस चक्कर में बहुत सारे ये फैक्टर जो इकोनॉमिक जो हमारी डिस्टेबलाइज हुई है कंट्री, एक तो वो है, फिर डेमोक्रेसी प्रॉस्पर नहीं कर पाई। डेमोक्रेसी इसलिए नहीं प्रॉस्पर कर पाई कि हर कोई एक अपना डॉक्ट्राइन लेकर आ रहा था, हर जनरल, मतलब आप देखिए ना कि अयूब खान लेकर आए, फिर ज़ियाउल्लाह कहे कि मैं सही मानों में इस्लामी निज़ाम लाऊंगा, शरई निज़ाम लाऊंगा, फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ आते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं एक रोशन ख्याल, मॉडरेट, लिबरल पाकिस्तान लेकर आऊँगा। फिर जनरल बाजवा आते हैं, वो एक इमरानी डॉक्ट्राइन लेकर आते हैं कि हम इस तरह से मदीने की रियासत एग्जैक्टली बनाएंगे और मदीना होगा और ये होगा वो होगा, मतलब इस्लामिक टच दे दिया हमें। तो इस्लामिक टच तो खैर हमारे हर वक्त शामिल ही रहता है, क्योंकि बहरहाल वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हालांकि ये नारा कभी लगा ही नहीं था, लेकिन वो हमें हमारी जो सोशल स्टडीज़ की किताबें जो है ना वही बदल दी गई, तो पूरी की पूरी जनरेशन के माइंड पल्यूट हो गए। डेमोक्रेसी अब शायद किसी हद तक स्टेबल हो रही है, इसमें बम्प्स एंड ब्रूजेज अलॉन्ग द वे रोड पे आ रहे हैं, लेकिन ये कि आई थिंक वी आर ऑन द पाथ, राइट पाथ। यूथ को टाइम देना चाहिए, जैसे बिलावल ने कहा, या मरियम नवाज हैं, या और यानी बहरहाल ये तो एक मौरिसी निज़ाम है, वो उससे हटके भी अगर कोई मिडिल क्लास से भी उठ के आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो यही एक फंडामेंटल रूट कॉज प्रॉब्लम है कि अब चाय वाला अगर मुल्क का वज़ीर आज़म बन के उसको पांचवी बड़ी इकॉनमी बना सकता है, तो इट मीन्स के डेमोक्रेसी के जो फ्रूट्स हैं वो मिलते हैं, राइट। एब्सोल्युटली। तो एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया। लेकिन एक बात जो आप एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी कहें उसके हवाले से कर रहे थे, आर्मी का इंटरवेंशन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा अगर हम कहें सरकार चलाने में नजर आता है, और अगर हम कहें कि एक डेमोक्रेसी को अगर हम मजबूत करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्मी के इंटरवेंशन को लिमिट करना पड़ेगा। वो किस तरह से आप मुमकिन होता देख पाते हैं? देखिए हो सकता है धीरे, या हाँ तो धीरे, ये चीज़ें जो है ना धीरे धीरे होती हैं, ऐसा नहीं होता कि हम किसी से टसल ले लें, लड़ाई ले लें। तो इमरान खान ने ये किया कि एकदम से लड़ाई ले ली, जबकि जरदारी साहब ने जनरल मुशर्रफ को जिस तरह से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका था, वो कहती है, वो उसे कहते हैं सही पॉलिटिक्स। इसी तरीके से आपको कोई भी, देखें हम सब एक दूसरे के लिए इनएविटेबल हैं, देख ठीक है ना, वी नीड आर्मी, वी नीड इस्टेब्लिशमेंट, वी नीड पॉलिटिशियंस, वी नीड ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक का बैलेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो उसको हमें धीरे धीरे बैठ कर समझ के करना पड़ेगा, लड़ाई से काम नहीं चलेगा, या किसी के खिलाफ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह से काम नहीं चलते, क्योंकि आप बिल्कुल एक पोलराइजेशन की तरफ चले जाते हैं फिर। सो आई थिंक एक दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा, जिस तरीके से इस वक्त गवर्नमेंट्स चल रही हैं, नवाज शरीफ डिप्लोमेटिकली, जरदारी साहब डिप्लोमेटिकली, बल्कि जो ये पूरी PDM है ये एक तरह से अलाइंड है तमाम स्टेक होल्डर से, बिकॉज दीज आर स्टेक होल्डर, दीज आर नॉट एनिमीज ऑफ ईच अदर। पाकिस्तान एब्सोल्युटली आर्मी है या सियासतदान है, वी आर नॉट एनिमीज ऑफ ईच अदर, वी आर स्टेक होल्डर। हाँ, स्टेक होल्डर्स को अपने अपने दायरे कार में, अपने लिमिट्स में रहते हुए किसी हद तक, अब देखो ना सुप्रीम कोर्ट है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ जुरिसडिक्शन हो जाती है, कि वो बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं एडवेंचरिज्म, जुडिशल एडवेंचरिज्म शुरू हो जाता है पाकिस्तान में, कि वो सू मोटो नोटिस पे नोटिस लिए जा रहे हैं। मीडिया आपने देखा, ARY, 92 न्यूज़, बोल्ड न्यूज़ बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्री चले गए थे, उनको अपने कंट्रोल, तो हम जब तक अपनी हदूद में नहीं आएंगे कैसे काम चलेगा।
बिल्कुल, एक निज़ाम होना चाहिए और कायदे कानून सब पे लागू होने चाहिए, चाहे वो कोर्ट्स हों, चाहे वो नेता हों, चाहे सरकारें हों या फिर स्टैब्लिशमेंट हो। अच्छा, शहबाज शरीफ ने भी बात कबूली और उन्होंने कहा कि बिना आर्मी की मदद के सरकार चलाना नामुमकिन है। अभी जो उन्होंने बयान दिया था उसमें उन्होंने ये बात कबूली, तो ये माना जाएगी बात सच है कि आर्मी बिल्कुल सही है, के बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि देखें, जब हमारे यहाँ सैलाब और जलजला आता है तो उस वक्त कोई सियासतदान अपनी सियासी जमात की पार्टियों को नहीं भेजता, वर्कर्स को नहीं भेजता, फौज जाती है। ठीक है, जब कहीं टेररिस्ट होता है तो उस वक्त कहीं जाके फौज जाती है। जब इकनॉमी की बात होती है तो आपको पता है कि अमेरिकन एंड चाइनीज जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी हद तक तो उनकी ये बात दुरुस्त है। आपका जो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रखते हुए आर्मी का किरदार बनता है, लेकिन आर्मी को रखते हुए डेमोक्रेटिक का किरदार नहीं बनता। तो आई थिंक मैंने जैसे कहा ना कि वी आर बोथ इनएविटेबल फॉर एक दूसरे के लिए, हम नागुजीर हैं, ज़रूरत है हमें सबकी। और ये हर हर देखें, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत पावरफुल है। आपको मालूम है, आप समझती हैं कि अमेरिकन पॉलिटिशियन पावरफुल है? नहीं, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे, पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट के दूसरे लोग हैं। अब ये वहाँ ये कि वो आर्मी चीफ हम नहीं जानते नाम क्या है, ना मुझे कनाडा का पता है, मुझे तो भारत का भी नहीं पता आजकल, लेकिन ये कि हमें से पाकिस्तान का ज़रूर पता होता है। और इस पर लड़ाइयाँ होती हैं कि कौन आने वाला है, मतलब पूरे पूरे इस्तखारे निकल रहे होते हैं कि किसका नाम निकलेगा कुरानंदाजी में। तो ये थोड़ा ऐसा सा हम लोग एक्सट्रीम साइड पर हैं, लेकिन आई थिंक वी आर गेटिंग टूवर्ड्स ए नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। 5-10 साल लगेंगे अगर ये हम कंटिन्यूटी के साथ इलेक्शंस कराते रहें, लोगों को मौका देते रहें, अपनी कोई नई डॉक्टर न्याय लेकर आए, तो मैं समझ लूँ कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन एक बात और है कि अभी हमने देखा इमरान खान जो कुछ महीने पहले तक एक कल्ट की तरह देखे जा रहे थे और लग रहा था कि बस अगले प्राइम मिनिस्टर वापस से वो बन जाएंगे, लेकिन अब बैकफुट में है, इनफैक्ट जेल में नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमों पे मुकदमा लगाया हुआ है। और उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी, उनकी एक हरी डायरी भी लीक हुई है। जी तो इस सूरत हाल में आप इमरान खान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मतलब वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि जेल में उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो चाहते हैं कि वो बाहर निकल जाए, जेल में रहेंगे। इनफैक्ट उन्होंने मना भी किया है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो एग्जाइल, जेल, या क्या होने वाला है? मतलब एक सवाल है आपसे मेरा। अच्छा, इमरान खान ने कह दिया कि वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे और आपने मान लिया, नहीं, तो मैं ये मैं पूछ रही नहीं, मैं एक बात कह वाले रहा हूँ सारी कि चीजें जो है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसमें होने का वाला ये है? वो इमरान खान है जो बोल के यू टर्न ले लेते हैं कभी भी। जी, ठीक है, बात आप एकदम तो सही कही वो है। तो इसलिए ये बात तो मतलब उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो, मैं ये देख रहा हूँ कि वो ज़्यादा लंबे अरसे तक जेल में ही रहेंगे, काफ़ी अरसे तक, और उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है किसी भी तरह से। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो ज़ाहिर है कि उनके खिलाफ एक कैंपेन सी समझ लीजिए कि वो चल रही है, तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने अपने जुर्म जो है वो खुद प्लेट में रखकर पेश किए ना। अब और ज़ाहिर है कि बींग हमारे यहाँ सबसे बड़ा सबसे बड़ी जिस बुनियाद पे इमरान खान जब 2018 में आए थे, तो उस वक्त के चौधरी हमारे साकिब निसार जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनको सादिक और अमीन कहा था। ठीक है, क्योंकि हमारे आइन में सच्चा और जिसे कहना चाहिए कि अमानत रखने वाला इंसान होना चाहिए आइन के तहत, जबकि वो नहीं थे, फॉरेन फंडिंग का केस था उस जमाने में, तो उन्होंने उनको डिक्लेयर किया था सादिक और अमीन। और तोशाखाना केस में वो सादिक और अमीन साबित नहीं होते क्योंकि वो उनकी अपनी गलतियां हैं। अच्छा, इसमें ना तो आर्मी का कोई रोल है कि उन्होंने घड़ियां जी खरीदी हो बेची हो, ना उसमें नवाज शरीफ का कोई रोल है, ना जरदारी साहब बिल्कुल, का रोल, तो वो उनके अपने कसूर हैं, उनकी बीवी के और उनकी बीवी की सहेलियों के और दोस्तों के कसूर हैं ना। तो वो तो उन्होंने जुर्म अपने जरायम प्लेट में रख के पेश किए कि लीजिए मुझे पकड़िए। फिर साइफर साइफर का इतना बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू और एक फॉरेन डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्याओस उन्होंने क्रिएट किया है कि वो उससे बच नहीं सकते। तो इस तरह की अगर हम 3-4 इनके मोटे मोटे जरायम लेंगे ना, तो वो उनका बचना मुश्किल है, उनका जाना ठहर गया है। प्लस ये कि पॉलिटिक्स में वो एक फेल्ड मॉडल है, जो उनको 3 साल के लिए बाजवा साहब ने लॉन्च किया था इस प्रोजेक्ट इमरान को, वो फेल्ड प्रोजेक्ट है, मॉडल ही फेल है वो। फारूकी साहब, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ये हमने देखा है लगातार कि प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर वो जेल में भी जाते हैं, उनके काले कच्चे चिट्ठे सब खुल जाते हैं। इमरान खान जिनको सादिक व अमीन डिक्लेयर किया गया, और वो खुद भी अपने आप को कहते थे कि मैं करप्शन करने, इन मिटाने और ये सब सब कुछ एकदम बदलाव के लिए आया हूँ, तो ऐसे में इमरान खान ने जो कुछ भी किया, तोशा खान और ये सारे जो उनकी बीवी, उनके सहेली और सारा जो करप्शन, ये सारी चीजें हुई, ये क्या उन्होंने अंजाम के बारे में नहीं सोचा था?
या कुछ और सोचे हुए बैठे थे वो कि मैं जिंदगी भर इस पोजीशन पे बैठा उनको रहूंगा? उनको उनको जो तसल्लियाँ कराई गई थी ना, जो मतलब उनको गारंटीज दी गई थी, तो उनको तो ये कहा था कि आप ता हयात रियासत मदीना के खलीफा होंगे। कुछ और अभी भी लिखा होगा आई एम श्योर। हाँ, और उसमें क्योंकि उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा को मैं एक्सटेंशन दे दूंगा, ही विल बी फॉर एवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और मैं ता हयात खलीफा हूँगा और इसी तरह से निज़ाम चलता रहेगा। और उनको ये भी उम्मीद थी कि मेरी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, कल्ट की बात की ना आपने, तो फॉलोइंग बहुत जी ज़्यादा है और लोग अंधे अंधा एतमाद मुझ पर करते हुए मुझे हमेशा हमेशा के लिए जो है इस रियासत का जो है ना वो ठेकेदार बना देंगे। इसी वजह से, अच्छा मैं ये भी नहीं मानता कि ये इमरान खान ने कोई जानबूझकर या नियतन चोरियां और ये सब कुछ किया होगा। ये इतने नाइव हैं हो सकता है और बातों में आए गए हों बातों लोगों में की तो जो नहीं आए होंगे, उनके लेकिन ये कि वो नाइव इतने हैं कि उनको होश नहीं होता कि कब वो कब क्या कौन क्या कर रहे हैं उनके दाएं बाएं वाले, राइट। उनकी बेगम अच्छा ने तो जानते बूझते सब कुछ किया होगा। इमरान उनके नाम पे बिल खान, फाड़ी। एग्जैक्टली, तो वो फंस गए बेचारे। और लेकिन ये कि फिर अगर आप इतने ही नाइव हैं तो देन यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी हेड ऑफ अ स्टेट, ऑफ अ न्यूक्लियर स्टेट, राइट। हाँ, कल को आप बोलेंगे कि मैं मुझसे किसी ने दोस्ती में पूछ लिया कि न्यूक्लियर जो है वो वारफेयर के कोड्स क्या हैं, तो मैंने दे दिए थे उसको। तो ऐसे तो नहीं चलता ना काम। बिल्कुल, अगर आप स्टेट हेड हैं और आपके ऊपर जिम्मा है पूरी रियासत एग्जैक्टली, का, तो आपको टफ तो होना पड़ेगा आप इमोशनल देखें साइड नरेंद्र नरेंद्र मोदी कौन सा ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट है, राइट, नहीं है ना। एब्सोल्युटली। लेकिन वो एक इतनी बड़ी 1.5 करोड़ 1.5 अरब की रियासत को चला रहे हैं, और उसको वो एटॉमिक रियासत भी है, ठीक है, आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, और आप अपनी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, आप फिफ्थ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं, और आपने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, चाहे वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे यूक्रेन का हो, चाइना का हो, मिस्र का हो, इजिप्ट का हो, यमन का हो, कहीं का भी हो, सो यू आर बीइंग अ न्यूट्रल स्टेट। वो विजन कहाँ से आया, उनको किसने पढ़ाया, उनको कौन सा उस्ताद मिला था ऐसा, ठीक है। तो एक पॉपुलरिज्म एक अलग चीज़ है, एक अच्छा खिलाड़ी होना एक अच्छी अलग बात है, 92 का वर्ल्ड चैंपियन होना एक अलग बात है, और एक अच्छा स्टेट्समैन होना एक अलग बात है। सो वी नीड गुड स्टेट्समैन लाइक मोदी जी, और हमें ऐसे, हमारे पास ऐसे नहीं है कि कमी है, हमारे पास भी एक से एक हीरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको आगे आने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, मौका और भी नहीं उसमें मिलता इसमें देख होगा। नंबर, मैं आपको बात बताऊं कि इसमें फ़ायदा दोनों ही, हम दोनों का ही है, इंडिया पाकिस्तान एब्सोल्युटली दोनों का फायदा है। अमन होगा, सुकून होगा, ट्रेड करेंगे यार, मतलब प्याज इधर से जा रहा होगा, टमाटर इधर से आ रहे होंगे, ठीक है, हम गाड़ी चला के कनाडा की तरह अमेरिका में घुस जाते हैं, आ जाते हैं। काश कि ऐसा हो जाए कि किसी दिन हम भी जो है अजमेर शरीफ चले जाएं, मतलब लाहौर से होते हुए। जिन्ना का ख्वाब तो यही था कि वो ऐसा चाहते थे कि ऐसा ही हो कि मुंबई जाएं हमें तो और ख्वाबों ने इधर मरवाया ना, मसला ये है अमर। ख्वाब बड़ी बात आपने बोली, मुझे काफी हंसी आ रही है, आई एम सॉरी। बिल्कुल, जो जिन्ना का एक ख्वाब था, एक विजन था, वो तो एकदम फेल हो गया। लेकिन जिस तरह से हम ये सारी चीजें देख रहे हैं आप, और जो बात आप बोल रहे हैं कि एकदम सारी चीजें एकदम उतल पुतल हो गई हैं और जी, 75-76 हो साल है। जाएंगी, हो जाएंगी सही, दे आर ऑन लेकिन ऑन जो एक बात आप कह रहे थे कि प्याज इधर से आए, टमाटर उधर से आए, लेकिन जैसे आपने और भी इससे पहले भी आप बात कर रहे थे कि अलग अलग चाइना ने इस्तेमाल किया, कभी अमेरिका के साथ चले गए, तो भारत के साथ जुड़ने में पाकिस्तान को बहुत फायदा था। 100%। और ये चीज उन्होंने क्यों नहीं सोची कि भारत के साथ रिश्ते सुधारे जाए? इनफैक्ट जिन जिस प्राइम मिनिस्टर ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात की, उनका अंजाम क्या हुआ हम सब जी जी जानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, इसके पीछे क्या वजह थी? क्या उनको अपना असल में कंट्री को आगे नहीं बढ़ाना नहीं, असल में या जो जंगी जुनून एक हमने पैदा किया था ना, जी? और वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी, क्योंकि देखें उसी से लोगों की जो जिंदगियां हैं, अय्याशी वाली जिंदगी चल रही थी। और एक सर्टन एरिया, एक सर्टन, जैसे डिफेंस बजट हमारा आप देख लीजिए किसके नाम जी पे डिफेंस बजट, मतलब हमारा दुश्मन दुनिया में कौन है, ठीक है, इसराइल तो हमसे बहुत दूर है, ठीक है, और कोई मुल्क, हम रूस वूस को हम में इंटरेस्ट नहीं है, चाइना हमारा यार है, ईरान भी चले इस्लामी मुल्क है, अफगानिस्तान तो एक ही हमारे रिश्तेदार है, तो इंडिया से हमें हमने खतरा पैदा किया, एक एक जुनून पैदा किया, एक एक फोबिया बनाया हमने, और कहा कि हम एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, आपको मालूम है 75 साल से हम नाजुक मोड़ से, वो कहते हैं ना जी मैं सर, वो निकला सारे गड्डी लेके, जो हाँ जो भी एड्रेस करते हैं वो इसी से शुरुआत होती है। तो हम गड्डी लेके निकले, एक मोड़ आया तो मैं उत्थे दिल छोड़ आया, तो ये मसला हो गया। आप मजे करवा रहे हो।
तो ये कहानियां चल रही हैं। हम इसी चक्कर में जो है वो इंडिया के नाम पे जो है ना वो डिफेंस बजट बढ़ाए जा रहे हैं, और वो इसी वजह से हमें ट्रेड करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे के इसी साथ बात पे एक्सपोर्ट। गदर गदर टू आई है और बहुत अच्छी ओपनिंग हुई है गदर टू आई की वुड लव टू सी, आई वुड लव टू सी, जी देखते हैं उसको। अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं गदर टू के भी, सनी देओल की मूवी, तो आप जी देख जी के नहीं, आएंगे सर? हमारे यहाँ भी अच्छी बन रही है, अब तो बहुत ड्रामे भी नहीं, अच्छे बन रहे हैं, ड्रामे तो बहुत। अच्छे होते हैं, काफी लोग पसंद करते हैं, इनफैक्ट भारत में भी बहुत लोग देखते हैं, जी काफी जी बड़ी व्यूअरशिप, इनफैक्ट जो सोशल, जो अगर यूट्यूब या उस पर बात यूट्यूब पे तो करें बहुत है। बहुत ज्यादा, वो सारी की सारी भारत से ही जाती है, बहुत लोग वाह, पसंद करते कौन, हैं। आपने लेटेस्ट कौन सा देखा था? मैंने अभी तो नहीं देखा, बट मेरी मम्मी देखती थी पहले, जी जिंदगी पे आते थे काफी पहले, तो मेरी मम्मी हाँ, रेगुलर देखती थी, वो हम बहुत सफर सारे, था, बहुत अच्छा गया था वो हम सफर था। हाँ वो हमसफर और हाँ जिंदगी हाँ गुलजार है, इस तरह के सीरियल्स बहुत होते अच्छे थे ड्रामे हैं। तो वही मतलब हमारे। देखे ना, ये हमारा सेम कल्चर है, सेम हमारी मतलब सकाफत है। अरे सर सब कुछ पेड़ सेम था तो ये अलग क्यों हुआ था? लड़ ये क्यों सब रहे हैं, मुझे तो ये सबसे समझ में नहीं आता कि भाई भाई से क्यों लड़ पहले रहे क्यों हैं। निकाला था पाकिस्तान को अलग? अगर हाँ हम एक ही हैं, सब कुछ एक है, तो अलग क्यों होना था? और वो या इनफैक्ट जो 1971 वो हुआ, जो टू नेशन थ्योरी की बात करते, वो तो तभी फेल हो गया था क्या? मतलब ये उसका जनाजा आज तक घसीट रहे हैं कि नहीं हम सही थे, हाँ, लेकिन चाहे बट दैट इज नाउ नहीं, हिस्ट्री, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, वी हैव टू यू नो को एग्जिस्ट समहाउ। दैट इज ऑल राइट, तो बट एक रियलाइजेशन होता है, मूव ऑन करते हैं, को हाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप अपनी आवाम को, कंट्री को लेके कुछ अच्छे फैसले लेते हैं ताकि सब जगह शांति रहे, आपके आवाम भी खुश रहे, हो सकता हो है अंबर, सकता ये भी दुनिया के बहुत सारे लोग ना चाहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो मिलकर इकोनॉमिक करें तरक्की, क्योंकि फिर अगर ये बन गए तो ये बहुत ही बड़ी पावर बन जाएंगे। अगर हम अलग अलग एंटिटी रहते हुए भी एक हो जाएं तो बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे, एब्सोल्युटली। बात तो खैर वो डिसबैलेंस हो जाएगी ना दुनिया की आपने ताकत। तो ये सूरत हाल है। जी, और उम्मीद करते हैं कि पूरे रीजन में शांति हो, और इसी दुआ के साथ, क्योंकि यौमे आजादी आ रहा है 15 अगस्त, और पाकिस्तान में चौदह सबको बहुत अगस्त को मनाया बधाई हो, जाता बिल्कुल है, बिल्कुल। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि हमेशा अमन, शांति और सुकून रहे, और ऐसे ही हम आगे तरक्की करते रहे। दैट और इज अ आपका गोल। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, आप चर्चा थैंक में यू, जुड़े, उसके लिए आप थैंक यू बहुत जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।